इस हीरोइन को देख आपको वो गाना याद आ गया होगा, घर से निकलते ही ये गाना फिल्म पापा कहते हैं का है, जो 90 के दशक में काफी पॉपुलर हुआ और फिल्म भी जबरदस्त हिट रही। मयूरी इस फिल्म की लीड हीरोइन थी और इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। आज ये हीरोइन कहाँ है और क्या कर रही है जानेंगे तो चौंक जाएंगे। मयूरी फिल्मों की दुनिया से दूर एक आम जिंदगी बिता रही है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना तो कोई स्टार उनका दोस्त है और ना ही चक्का चौंध उन पर हावी रहती है। उन दिनों महेश भट्ट पापा कहते हैं नाम से फिल्म बना रहे थे और हीरोइन की तलाश में थे। उन्हें एक नए और मासूम से दिखने वाले चेहरे की तलाश थी और उनकी ये तलाश पूरी हुई मयूरी कांगो के रूप में। मयूरी को महेश भट्ट ने उनकी पहली फिल्म में देखा जो फ्लॉप रही, लेकिन इस फिल्म में महेश भट्ट को मयूरी की एक्टिंग इतनी पसंद आई कि कह उठे बस ये नीली आंखों वाली लड़की ही मेरी अगली फिल्म की लीड हीरोइन होगी। फिल्म आई और आते ही सुपरहिट हो गई। मयूरी कांगो को भी इस फिल्म ने टॉप की हीरोइनों में लाकर खड़ा कर दिया। ये डेब्यू इतना सुपरहिट रहा कि लोगों को लगा इंडस्ट्री की बाकी हीरोइनों को कड़ी टक्कर देने वाला मिल गया है, लेकिन मयूरी जल्द ही गुमनामी की तरफ बढ़ने लगी। पहली फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार तो बना दिया, लेकिन उन्हें वैसे रोल नहीं मिले जैसे वो चाहती थी और फिर फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं करके वो अपना गुजारा करने लगी। मयूरी को लगा देर सब बेर अच्छे रोल और अच्छी फिल्में जरूर मिलेंगी, लेकिन ये इंतजार लंबा होता चला गया, इतना लंबा कि मयूरी को फिल्में छोड़नी पड़ी। मयूरी की किस्मत इतनी खराब रही कि उनकी आधी फिल्में तो रिलीज ही नहीं हुई। इसी से हताश होकर उन्होंने फिल्में छोड़ एक किनाराई से शादी कर ली और न्यूयॉर्क चली। न्यूयॉर्क से उन्होंने मार्केटिंग में MBA किया और अब वो गुड़गांव की एक कंपनी में मैनेजर है। वो अपने प्रोफेशन से बेहद खुश हैं और करियर के साथ साथ अपनी फैमिली को भी संभाल रही हैं। उनका एक बेटा भी है।